मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू झूठा होता है? हिंदू का मतलब मैं आपको बताता हूं, हिंदू का मतलब वो व्यक्ति जो सच्चाई के रास्ते पर अपनी पूरी जिंदगी चलता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर के सामने अपना सिर कभी नहीं झुकाता, उसको हम हिंदू कहते हैं। वो व्यक्ति जो अपने डर को नफरत में, क्रोध में और हिंसा में नहीं बदलने देता है, उसे हम हिंदू कहते हैं। और अगर उदाहरण देखना हो तो हमारे सामने सबसे बेहतर उदाहरण महात्मा गांधी। उन्होंने किताब लिखी, किताब का नाम माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मतलब उन्होंने अपनी अपनी पूरी जिंदगी सच को समझने में लगा दी। किताब का नाम दिया माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, मैंने सच्चाई के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा। एक तरफ सच्चाई, महात्मा गांधी, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान ने उनको महात्मा कहा, हिंदू। दूसरी तरफ नथुराम गोडसे, हिंदुत्ववादी, उसको किसी ने महात्मा नहीं कहा और ना कह सकते हैं, क्योंकि नथुराम गोडसे ने हिंदू की छाती में, सच बोलने वाले हिंदू की छाती में, सच की लड़ाई लड़ने वाले हिंदू की छाती में 3 गोली मारी। क्योंकि नथुराम गोडसे अपने डर का सामना नहीं कर पा। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था, और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है, हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है, हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है। यह फर्क है भाई और बहन। हिंदुत्ववादी गंगा में अकेला स्नान करता है, हिंदू करोड़ों लोगों के साथ गंगा में स्नान करता है। ABP News आपको रखे आगे।